जब किसी इंसान को सत्ता की अपार ताकत मिल जाती है तो उसके अंदर सत्ता की भूख और बढ़ जाती है। उसके अंदर कभी ना खत्म होने वाला लालच और घमंड जन्म ले लेता है और इसी बात का गवाह है हमारा आज का वीडियो बैटल ऑफ पुलालूर। तो आइए जानते हैं यह युद्ध किसके बीच, कब, कहां, कैसे और क्यों हुआ था। यह कहानी है दक्षिण भारत के दो बड़े साम्राज्य चालुक्य और पल्लव की। चालुक्य साम्राज्य की स्थापना पुलकेसिन वन ने 543 ईस्वी में की थी। पुलकेसिन वन के बाद राजा बने कीर्तिवर्मन वन और उसके बाद मंगल देश और उसके बाद पुलकेसिन टू, और यही चालुक्य राजा पुलकेसिन टू और पल्लव राजा महेंद्र वर्मन वन के बीच बैटल ऑफ पुलालूर हुआ था, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो हुआ यूं कि कीर्ति वर्मन के मरने के बाद उनके भाई मंगल देश ने गद्दी पर बैठना चाहा, क्योंकि कीर्ति वर्मन वन के बेटे पुलकेसिन टू बहुत छोटे, मात्र 18 साल के थे। सत्ता की लालच की वजह से मंगल देश ने पुलकेसिन टू को जान से मारना चाहा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 610 ईस्वी में पुलकेसिन टू ने अपने चाचा मंगल देश के साथ अनंतपुर नामक किले के पास एक युद्ध किया और उन्हें पराजित करके मार डाला, और इसी के साथ पुलकेसिन टू चालुक्य साम्राज्य के नए राजा बन जाते हैं। तो अब आइए थोड़ा जानते हैं पल्लव डायनास्टी के बारे में। पल्लव साम्राज्य की स्थापना 275 ईस्वी में हुई। देखा जाए तो पल्लव साम्राज्य नक्शे में भले ही छोटा था, लेकिन यह बहुत ही पुराना साम्राज्य था। महेंद्र वर्मन वन एक ऐसे राजा थे पल्लव डायनास्टी के, जो कला और कारीगरी के बहुत शौकीन थे। महाबलीपुरम का लाइट हाउस और कांचीपुरम विश्वविद्यालय उन्हीं के द्वारा बनवाए गए इतिहास के बेमिसाल नमूने हैं। पुलालूर के युद्ध का मुख्य कारण था विष्णु कुंदिन किंगडम, जो कि पल्लवों का खास सहयोगी था। यह युद्ध इस बात को प्रमाणित करता है कि लालच ही इंसान को गलत करने पर मजबूर करती है। पुलकेसिन टू सत्ता और ताकत के नशे में चूर था। वह संतुष्ट नहीं था, वह अपने साम्राज्य को और बड़ा करना चाहता था, और इसी इच्छा की वजह से उसने विष्णु कुंदिन साम्राज्य पर आक्रमण किया और जीत गया। वो विष्णु कुंदिन साम्राज्य जो पल्लवों के मित्र और सहयोगी दल में से एक थे। पल्लव आग बबूला हो गए। इसके बाद पल्लवों ने चालुक्यों के साथ कई छोटे छोटे युद्ध किए, लेकिन कोई भी निर्णायक नतीजे तक नहीं पहुंच सका। 617-18 ईस्वी में कहानी में फिर से एक नया मोड़ आता है। पुलकेसिन टू वेंगी नाडू नामक साम्राज्य पर कब्जा करके पल्लवों की राजधानी की ओर बढ़ता चला जाता है। महेंद्र वर्मन वन अपनी फौज के साथ कांची से 9 मील दूर पुलालूर नामक स्थान पर पहुंचते हैं, जहां पर पुलकेसिन टू और उसकी सेना आमने सामने होती है। ऐहोल में पाए गए एक इंस्क्रिप्शन के मुताबिक पुलकेसिन टू की सेना पल्लवों की सेना से 6 गुना ज्यादा बड़ी थी, और पुलकेसिन टू की सेना में प्रशिक्षित सैनिक और घुड़सवार थे। साथ ही एक चाइनीज ट्रैवलर जुआंग जैंग के मुताबिक जंगी हाथियों को नशीला भोजन खिलाया गया था ताकि वो बिना डरे दुश्मन की सेना को कुचल सके। भले ही महेंद्र वर्मन वन की सेना छोटी थी, पुलालूर का यह युद्ध बहुत ही भयंकर हुआ। युद्ध के अंत में पुलकेसिन टू जीत गया। महेंद्र वर्मन वन और पल्लवों की भारी हार हुई। पुलकेसिन टू इस युद्ध को जीतने के बाद पुलालूर से ही वापस चले गए। उन्होंने पल्लवों की राजधानी कांची पर आक्रमण नहीं किया, जो कि पुलालूर से महज 9 ही मील दूर था, और वापस अपनी राजधानी वाटापी लौट गया। यदि पुलकेसिन टू ने कांची को अपने कब्जे में ले लिया होता तो शायद बैटल ऑफ वाटापी नहीं होता, जिसके बारे में हम दोस्तों अगले वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।